सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया हो गए एंड गाइस यार आगे भी बढ़िया रहना। तो भाई आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो गाइस आप लोग को लगता होगा कि मैं कैसे वॉइस चेंज किया हूँ, और बहुत सारे बंदे लोग कॉमेंट करते रहते हैं कि आप कैसे वॉइस चेंज किए हैं बताइए। तो चलो भाई यार मैं इस वीडियो आप लोग को बताऊंगा। एंड गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपना वॉइस चेंज जरूर कर लोगे, क्योंकि गाइस यार काफी मोटिवेशनल स्टोरी है और थोड़ा सैड स्टोरी भी है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं फ्री फायर बहुत दिन से खेल रहा हूँ, 2019 से फ्री फायर खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास 1 GB रैम का फोन था। तो गाइस इसीलिए वो फोन में बहुत ज्यादा हैंग करता था फ्री फायर, इसीलिए फिर मैं खेलना ही छोड़ दिया उस फोन में, और उस फोन का बैटरी भी उतना नहीं चलता था। तो गाइज उस समय मैं 9th क्लास में था और कुछ दिन के बाद 10th क्लास में जाने ही वाला था। तो गाइज मैं जब 10th क्लास में गया तो मेरे पास कोई फोन नहीं था। जैसे ही अप्रैल का महीना आया तो मेरे को एक फोन मिला, लेकिन खराब फोन था। और गाइज उस फोन का नाम था Redmi 3S, और उसमें 3 GB रैम था और 32 GB स्टोरेज था, तो काफी बेस्ट फोन था। तो गाइज लेकिन गाइज प्रॉब्लम थी कि फोन खराब था और उसमें अच्छा पैसा लगता मुझे बनाने में, लेकिन मेरे पास कोई भी पैसा नहीं रहता था। और गाइज सबसे खुशी की बात, मेरा 9th क्लास का 5,000 रुपया मेरा बैंक अकाउंट में आ गया, और गाइज वही पैसा निकाल के अपना फोन एकदम हैवी बना लिए, मतलब कि जो भी खराब था उसको रिपेयर करके सही करवा लिए। और गाइज अपना एकदम हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजरने लगे, और बहुत मजा आता था गेम खेलने में उस टाइम। अभी तो गाइज उतना गेम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गाइज पहले के टाइम का जो फ्री फायर था वो काफी अलग था अभी के टाइम से। गाइज उस टाइम आप कितना भी खेल लो आपको बोरिंग सा फील होता ही नहीं था, गाइज एकदम खेलते रहते थे लगातार। एंड गाइज अभी के टाइम में काफी चेंज हो चुका है फ्री फायर, अभी पैसे का गेम है, जो पैसा लगाएगा वही प्रो प्लेयर रहेगा। लेकिन गाइज आप उतना पैसा नहीं लगाते हो, अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो गाइज आप भी हो प्रो प्लेयर। और गाइज मैं भी उतना ज्यादा पैसा नहीं लगाता हूँ, लेकिन गाइज यार अच्छा गेम प्ले होना चाहिए। और गाइज मोबाइल तो बनवा लिया, लेकिन गाइज यहाँ से अब स्टार्ट होगा सैड स्टोरी। और भाई यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। तो गाइज उस टाइम लगभग हम डेली एकदम 5-6 घंटे गेम खेलते थे। और गाइज एक दिन क्या हुआ कि गाइज मैं स्कूल नहीं गया और सुबह सुबह गेम खेल रहा था, और गाइज यार मेरे पापा आए और गुस्से में फोन लेकर के मेरा यार। और गाइज मैं अभी भी अच्छा से नहीं बोल पा रहा हूँ यार, क्योंकि वो जो स्टोरी मुझे याद आ जाता है तो गाइज मैं काफी ज्यादा सैड हो जाता हूँ। और गाइज बात ही ऐसा था, क्योंकि गाइज मैं स्कूल के पैसे से फोन बनवाया, और गाइज यार मैं सुबह सुबह गेम खेल रहा था। और गाइज मैं लाइफ में किसी के साथ टीम अप नहीं किया था, कोई भी बंदे के साथ टीम अप नहीं किया था। और गाइज उस टाइम मेरा लाइफ का फर्स्ट टीम अप था। और गाइज पापा बोल रहे थे गेम बंद करो, लेकिन गाइज मुझे मतलब पूरा खेलने का मन कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट बार मैं टीम अप किया था किसी बंदे के साथ। और गाइज उतने में ही मेरे पापा मेरे हाथ से फोन खींचे और यार उसे तोड़ दिए वहीं पे, और उतने में मैं रोने लगा यार। पूरा घर वाले मेरे चुप करवा रहे थे, चुप हो जा न्यू फोन ले लेना, लेकिन गाइज मैं रोने लगा क्योंकि यार मेरे पास उतना पैसा नहीं था। और गाइज मुझे पता था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हें न्यू फोन दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई फोन हमें नहीं देता, क्योंकि यार किसी के पास उतना पैसा नहीं था। तो गाइज उस टाइम हमें लगा कि हम भगवान के पास चले जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना गाइज ऊपर जाने का बात कर रहा हूँ। और गाइज ऐसा हमें कम से कम 1 महीने तक लगते रहा, लेकिन गाइज फिर मैंने सोचा यार कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है यार कि भगवान के पास अभी चला जाऊं। फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था उसका नाम है मुरारी, तो गाइज उसके पास फोन था, क्योंकि गाइज वो दिल्ली में यार कुछ काम करके पैसा कमाता है। तो गाइज एक फोन लिया था, न्यू फोन था उसका, तो गाइज वो भी फ्री फायर खेलता था, और गाइज उसी से मांग के 1-2 मैच हम भी खेल लिया करते थे, तो हमारा कुछ गाइज मतलब कि सुकून मिलता था कि चलो आज फ्री फायर खेल लिए। और गाइज वैसे ही दिन बीतते गया, लेकिन गाइज जो अब स्टोरी आने वाला है ये सुन के आप लोग हिल जाओगे, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले थे भाई का यार। तो गाइज मैं 10th क्लास का तैयारी कर रहा था, तो क्या हुआ कि एक भैया बाहर में रहते हैं वो गाँव में आए एक ऐप लेकर के, और गाइज यार उसी से सब लोग पैसा कमाता था। फिर गाइज धीरे धीरे वो बात पूरा गांव में फैल गया, और गाइज सब लोग यूज करने लगा, और धकाधक एकदम पैसा छापने लगा। कम से कम गाइज यार सप्ताह में आ जाते थे सबके 4,000-5,000 रुपए। तो गाइज ऐसे ही 1-2 महीना लगातार चलते रहा, फिर आया नवंबर का लास्ट महीना खत्म ही होने वाला था। और गाइज उस समय मेरे पास कोई फोन नहीं था, और गाइज मैं एक दोस्त का ही फोन में यार क्वेश्चन बना बना कर मतलब डालता था, और गाइज काफी ज्यादा पैसा कमाता था, लेकिन साला 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। दोस्त लोग चूतिए होते हैं गाइज, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो गाइज मेरे पास कोई फोन नहीं था, और गाइज मैं नहीं कमा पाता था इस ऐप से पैसा, लेकिन गाइज यार मुझे रहा नहीं गया, रहा नहीं जाता, तड़प। तो गाइज मैं घर में कहने लगा कि मुझे एक फोन चाहिए, फिर एक सेकेंड हैंड फोन मेरा एक भैया है वो दे दिए, और गाइज उससे फिर से मैं बनवा लिया, उसका टच खराब था, तो गाइज मेरा 2-3 हज़ार रुपया उसमें खर्चा हुआ। और गाइज वो पैसे मम्मी और दादी से मांगे थे कि कमाऊंगा उस ऐप से और आपको वापस कर दूंगा, और वापस कर भी दिए। और गाइज यार फिर पैसा कमाने लगे और घर में पैसा देने लगे। और गाइज यार मैं पैसा कमाने के साथ साथ गेम भी खेलता था, तो इसीलिए मैं कम सबसे कम कमाता था, लेकिन गाइज यार मैं जितना भी कमाता था सारा अपना घर में दे देता। और गाइज वो जो फोन था वो सेकेंड हैंड
फोन था और उसका टच में न्यू लगवाया था। तो गाइस जब गेम खेलते थे तो उसका टच ही नहीं सही से काम करता था और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, लगता था फ़ोन यार पटक दे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं करते थे क्योंकि यार बहुत पैसा लगता है एक फ़ोन लेने, मुझे पता था पहले से ही। तो गाइस मैं मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक न्यू फ़ोन लेना है, और एक भैया है जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो गाइस मैंने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा अभी गेमिंग फ़ोन कौन है, तो बताएं कि पोको एक्स थ्री सबसे बेस्ट फ़ोन है। और गाइस उस टाइम पोको एक्स थ्री प्रो नहीं था, नहीं तो पोको एक्स थ्री प्रो ही लेते। और गाइस पोको एक्स थ्री का अभी कम रेट है, अभी 17,000 रुपया है, क्योंकि गाइस यार फोन पुराना हो चुका है। लेकिन गाइस उस टाइम लॉन्च हुआ था, तो गाइस मैं इस फोन को लिया था 18,500 रुपया में, मतलब 18,500 रुपया में। जिस दिन लेकर के आ रहे थे अपना फोन यार, और बाइक से थे और हमारे साथ कुछ भैया थे, तो गाइस मैं सोचते आ रहा था कि जाऊंगा घर और इस ऐप से जितना का मैं फोन लिया हूं उतना जल्द से जल्द कमा के मतलब वसूल कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गाइस यार लगता है हमारा किस्मत ही खराब था, बस फोन ही दिलवाने के लिए वो ऐप आया था। एंड गाइस जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद वो ऐप एकदम चलना ही बंद हो गया, उस पे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता था। और गाइस यूजर भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए गाइस उस पे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता था। गाइस मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, सारा पैसा खत्म हो गया था। और गाइस पढ़ाई तो पहले से कर ही रहे थे साथ साथ, तो गाइस बहुत सारे भैया लोग यार शेयर मार्केटिंग होता है उसमें पैसा इन्वेस्ट करके कमाता था, लेकिन गाइस मेरे पास तो पैसा ही नहीं था, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। गाइस अपने पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ था गरीना फ्री फायर। तो गाइस मैं गरीना फ्री फायर बहुत ज्यादा खेलता था। गाइस रात को मतलब पढ़ने के बहाने से गाइस रात को मैं बहुत ज्यादा गेम खेलता था। फिर गाइस मैंने मन में सोचा यार गेम से हमें कुछ भी नहीं मिलता, और घर वाले भी बोलते थे कि गेम नहीं देगा, काम पढ़ो लिखो मन लगा के। तो गाइस मैंने सोचने लगा यार कि फ्री फायर से कैसे पैसा कमाते हैं यार। तो फिर पता चला यार कि यूट्यूबर लोग यार फ्री फायर का वीडियो अपलोड करके पैसा कमाते हैं। तो गाइस मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन यार एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। फिर गाइस यार धीरे धीरे मैं वीडियो को डिलीट करने लगा। जो मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुआ उसका टाइटल था राइ स्टार के जैसा वॉइस चेंज कैसे करें। गाइस 2021 में फरवरी महीना में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, उसका टाइटल था राइ स्टार के जैसा वॉइस चेंज कैसे करें, और उस पे सिर्फ 1 के व्यूज आया था, वो भी 2 महीने में। तो गाइस मैं काफी ज्यादा खुश हो गया और स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों के पास शेयर करने लगा कि देखो मेरा 1 के व्यूज कंप्लीट हो गया। और गाइस मेरे पास वॉइस चेंज भी था, क्योंकि गाइस यार मैं जो पैसा से फोन लिया था पोको एक्स थ्री इसमें वॉइस चेंजर भी था। तो गाइस मैं उसी टॉपिक पे 2-4 वीडियो बना दिया, और गाइस यार अच्छा व्यूज भी आया, एक वीडियो पे 80,000, एक वीडियो पे 40,000, और एक वीडियो पे तो अभी 4 लाख व्यूज है गाइस। तो फिर गाइस एक मेरा मामू है, वो समझाए कि एक ही टॉपिक पे वीडियो मत डालो यार, ऑडियंस गाली देगा कमेंट में ऐसे वैसे। तो गाइस फिर मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया, और गाइस लगातार 3 महीने तक वीडियो ही नहीं बनाता था वॉइस चेंज पे, दूसरा टॉपिक पे बनाता था लेकिन मेरा व्यूज ही नहीं आता था। और गाइस मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया था, और गाइस 1522 घंटा हुआ था, जो 4000 घंटा करना होता है तभी चैनल मोनिटाइज होता है। और गाइस उस टाइम फिर मैं एक वॉइस चेंज पे वीडियो अपलोड कर दिया, गेम टर्बो को कैसे डाउनलोड करें, उस पे अभी 1 मिलियन व्यूज है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड गाइस यार मुझे लगता था कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पैसा होगा, 1000 व्यूज पे $1 बन जाते हैं, ऐसे सब यूट्यूबर बताते हैं जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं छपरे लोग। तो गाइस वो वीडियो वायरल होने के बाद हमारा चैनल मोनिटाइज हो गया, लेकिन गाइस यार मैं जब देखा यार तो हमें बहुत कम अर्निंग होता था। गाइस जब 10,000 व्यूज जाता था तो $1 अर्निंग होता था, और गाइस मुझे बहुत ज्यादा सैड फील हुआ, क्योंकि गाइस यार मुझे लगता था कि 1000 व्यूज पे $1 बन जाएगा तो काफी अच्छा अर्निंग होगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी गाइस यार मैं खुशी खुशी वीडियो अपलोड करने लगा एकदम। गाइस डेली तो नहीं अपलोड करता था, लेकिन गाइस सप्ताह में 1-2 वीडियो अपलोड कर देता था। और गाइस अभी जिंदगी कहाँ खत्म हुई थी, उसके बाद और बुरे दिन आने ही वाले थे हमारे। तो गाइस क्या हुआ था कि एक मेरा बेस्ट फ्रेंड आया और गाइस मेरा यूट्यूब चैनल ही हैक कर लिया। तो गाइस यार वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो गाइस यार नेक्स्ट पार्ट ला देंगे। और गाइस यार अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, भाई अपने छोटे भाई समझ के कर देना यार इतना काम। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और गाइस जानेंगे कि कैसे मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया, किसने किया, क्यों किया, सारा कुछ आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।